अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है सारे ठीक ठाक होंगे। तो आज जैसा कि आप सबको पता है कि ईद का दूसरा दिन है और ईद का दूसरा दिन होता है ससुराल डे। तो हम जनाब तैयार श्यार होके जा रहे हैं अपने ससुराल, कहाँ, मुल्तान। तो अभी जो है ना हमारी बेगम साहिबा तैयारी कर रही हैं और उसके बाद हम थोड़ी देर तक निकलेंगे मुल्तान के लिए। बहुत ज़्यादा पहले ही देर हो चुकी है, तो वहाँ पे पहुँचना था 12 बजे, लेकिन अभी 11 हमने यहीं पे बजा दिए हैं। गाड़ी हमारी रेडी है सामने और बैग शैग उठाना है, बैग उठा के बस तैयार श्यार होके और बेगम को लेके चल पड़ना है और कुछ टाइम वहाँ पे गुजारेंगे और शाम को वापसी है फिर 10 बजे इंशाल्लाह। इसी सफ़र का आपको सारा अहवाल आज देंगे। हाँ जी, क्या हाल है, आप सब लोग कैसे हैं? हाँ से होंगे। और बाकी आज ईद का दूसरा दिन है, आज ऐसी बात है। हाँ, आज ये आज इनका दिन है, हमारा दिन नहीं, हमारा कल खत्म हो गया है। हाँ। तो आज हम जा रहे हैं, मैं अपने मेके जा रही हूँ, ये अपने ससुराल जा रहे हैं। हाँ। मुल्तान। हाँ। और चलें फिर हम आपको अपडेट करते रहे। हाँ, रास्ते में बताते जाएंगे आपको, आज रास्ते का सफर अहवाल बताते जाएंगे। गाड़ी रेडी है, बैग बैग कहाँ है, बैग ले, बस चलते हैं इंशाल्लाह। बैग शैग पैक करके गाड़ी को तैयार श्यार कपड़ा शपड़ा लगा के चल रहे हैं इंशाल्लाह। व्यूअर्स, ये रास्ते में दो ट्रक वाले आपस में तुल गए और बहुत ज़्यादा इन्होंने अंत मचाई हुई है। ये ट्रक वाला जो है ना तुला हुआ है, मतलब उसको रास्ता नहीं दे रहे और बड़ा ही बैड सूरत हाल है। और वो जो बैग, ये गाड़ी वाला तीसरी जगह से निकल रहा है, बिल्कुल ओवरटेक करके निकल जा रहा है। सामने जा रही है सिविक और इसके साथ अब हम थोड़ा सा करते हैं छेड़खानी, इसके साथ थोड़ा मुकाबला लगाते हैं ब्लैक वाली सिविक के साथ। देखो हमें रास्ता देता है या नहीं देता। स्पीड हम बढ़ा रहे हैं, हॉर्न दे रहे हैं उसका। नहीं, नई जगह बनी। हंड्रेड पे कर दी है गाड़ी हमने अब। दे दे रास्ता, दे नहीं दे रहा, देखो देता है नहीं देता। भगा रहा है, भगा रहा है। यस, साइड भी अब कर लिया इसने। यस, निकल गई, निकल गई गाड़ी, निकल गई। और ये बाइक वाला मन चला, छोटा सा बंदा है, 3 फुट इसका कद होगा और 1 to 5 को ऐसे दौड़ा रहा है 100 की स्पीड पे बगैर हेलमेट के, टॉप और टॉप छुत्र छू जा रहा है। 103 स्पीड हो गई, रास्ता नहीं दे रहा। 3 फुट के बंदे के काम चेक करे, ओए होए 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 होए, भाई तबाही करी पड़ा है ना। कहने बंदे ने स्पीड और स्पीड जा रहे, स्पीड 76 सब मैंने कर दी है, लेकिन वो जा रहा है, जा रहा है और तेरी वेंट है को खिंची पड़ा। 97 9, देखें 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 फुल स्पीड। व्यूअर्स, हम जो है ना चल पड़े थे तकरीबन 12 बजे बहावलपुर से और जो है ना अभी तो आधे घंटे का सफ़र रह गया है और वाइफी मोहतरमा आइसक्रीम पहले खा रही थी, तो
तो हमारा तकरीबन अब आधे घंटे बाद इंशाल्लाह मुल्तान के अंदर होंगे, मदीनातुल औलिया, मुल्तान औलिया का शहर और मेरी मिसेस का शहर और बहुत ही तारीखी शहर, और मुझे तो आगे हमेशा बहुत अच्छा लगता है लेकिन आना बहुत कम कम होता है, ड्यूटीज होती हैं। आज भी बड़ी मुश्किल से टाइम निकाला है, कल ड्यूटी थी 12 घंटे सुबह मिसेस की थी और रात के 8 से 12 सुबह तक मेरी थी। वो थोड़ी देर ही रेस्ट की है और अभी जो है ना, हम जो थोड़ी देर रेस्ट करने के बाद, क्योंकि मिसेस को अपने मैके आना था और मैंने अपने ससुरालियों से मिलना था, तो निकल पड़े थे तकरीबन 12 बजे और मेरी मिसेस से पूछते हैं कि हाँ ये इनकी आइसक्रीम है, मेल्ट हो चुकी है और इन्होंने थोड़ी सी खाई। आपको कैसा लग रहा है? रास्ते में हमने ली है अपनी आइसक्रीम खाने के लिए, लेकिन अब मेल्ट हो चुकी है। बाकी आपको पता है सफर में खाने पीने के चक्रे मकने की चीजें हम साथ में रखते होते हैं। बाकी आई एम टू मच एक्साइटेड क्योंकि बहुत दिनों बाद तकरीबन 2-3 मंथ्स के बाद मैं अपने लेके जा रही हूँ, तो आई एम सो एक्साइटेड। वहाँ पे भी उनकी कॉल आई है अभी, अम्मी और अबू की, उन्होंने बहुत मजे मजे खाने बना के रखे हुए हैं, तो जा रहे हैं खाएंगे। हाँ जी, और क्योंकि हमारी ड्यूटीज होती है, ऑफकोर्स आप लोग को पता है कि हम डॉक्टर्स हैं तो हमारी लाइफ बहुत टफ होती है, तो हमने वैसे निकालनी होती है अपने बेस मोमेंट्स वगैरह ना, तो हम अपने ड्यूटीज को एडजस्ट करके ना, आप ये ईद के 3-4 दिन में वहीं पे रहूंगी, डॉक्टर साहब खैर वापस आ जाए। हाँ मैं वापस आ जाऊँगा। हाँ चखने मखने की बात की है तो मेरी बीवी को चखने मखने का बहुत शौक है, अच्छा चखती मखती रहती है, खाती थोड़ा सा है लेकिन हर चीज चखनी होती है इसने ना, तो इसने चखा मखा है आइसक्रीम भी और बाकी चीजें भी, तो इन्होंने अभी इंजॉय करना है मुल्तान में 2-3 दिन और उसके बाद फिर लोगों ने हमें कमेंट में जरूर बताना है, हमारी वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करना है, और आपने हमें बताना है कि आप लोगों ने अपनी ईद कैसे गुजारी और क्या क्या किया। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, और हम अपना व्लॉग और किस तरह मतलब अच्छा कर सकते हैं ये भी बताना है आप लोगों ने है। और जो है ना अभी बस इंशाल्लाह थोड़ी देर में मुल्तान पहुंच जाएंगे और तब तक दीजिए इजाजत।